नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं राम रूप शर्मा फिर दोबारा से आपको साइंस के लिए ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, और मुझे रिएक्शन से जैसे बच्चों का और बच्चों के कमेंट से पता लगा है कि इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा बच्चों का हुआ है। ठीक है, ये सब आप लोगों की मेहनत है और हमारा एक शेड्यूल है। ठीक है ना, अब इंग्लिश और हिंदी और आईटी का पेपर या एफआईटी का पेपर आपका हो चुका है। सीबीएसई ने भी आपके ऊपर बहुत अच्छा एक क्यूरिकुलम रखा है कि आपको बूस्टअप करने के लिए पहले से हिंदी और इंग्लिश के पेपर दिए, ताकि आप जो है बूस्टअप हो जाए और आपको पैटर्न पता लग जाए। ट्रेंड से मुझे भी ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा लगा होगा कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है वो थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में आया है, और आगे भी जो पेपर है वो थोड़े से सिंपल आने वाले। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब जो बचे हुए पेपर है वो है साइंस, देन एसएसटी, देन मैथमेटिक्स। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो हैबिट बन चुकी है पढ़ने की, क्योंकि कल मैंने जो कॉमेंट के थ्रू आपने क्रेज देखा पढ़ाई का, जुनून देखा आपको पढ़ाई का, कमिटमेंट जो देखा है आपकी पढ़ाई का, उससे मुझे लगता है कि आप कितना भी ऊपर परसेंटेज में जा सकते हैं। ठीक है, जब आप इतना सारा कर चुके हैं, इतना अच्छा कर चुके हैं, तो अब आज शायद आपकी थकान उतर गई होगी, अब तक सोकर या आराम करके या किसी भी तरीके से अच्छा पेपर से और भी जल्दी थकान उतर जाती है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ साइंस की तरफ। उससे पहले आप ध्यान रखिए कि आप वीडियो को केवल यही ना सोचे कि मैं ही देखूं या मैं ही फायदा उठाई, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जहां तक भी आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं वो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, वो बेल बजाते रहिए, ताकि आपके पास मेरी टेक्निकल वीडियो चलती रहे। अब मैं सबसे पहले आपको प्लान एक देता हूं। अभी तक आप, मेरा ख्याल है, रिफ्रेश हो गए होंगे या थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया होगा या किस तरीके से थोड़ा बहुत आपने आइडिया लिया होगा साइंस का। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा प्लान अपने तरीके से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना मैं आपको प्लान और शेड्यूल बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका बेनिफिट आपको हिंदी इंग्लिश में हुआ है। और लेकिन साथ ही साथ आप एनसीईआरटी और अपने शेड्यूल से जो चीज आप भी चाहें, अभी आप भूल जाओ किसका क्या करना है, बेटर लगे यूज करो, नहीं बेटर लगे आप अपने तरीके तो से तो चलो ही चलो। ठीक है ना, तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आज और कल में आपको फिजिक्स कवर करनी है। इसके लिए मैं फिजिक्स के ऑलमोस्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल रामरूप शर्मा पर ये वीडियो जरूर देखें, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। आप दूसरी चीज, आप साथ के साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एटलीस्ट बैक एक्सरसाइज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो मैं कहता हूँ आपके 80 में से 80 मार्क्स लाने पक्के। लेकिन अगर आपके बॉक्स के क्वेश्चंस और अंदर के एग्जाम्पल्स भी आप करते रहे तो भी आपका काफी पोर्शन कवर हो जाएगा। फिजिक्स के मैं ऑलमोस्ट वीडियोस डाल चुका हूँ, जैसे ओम्स लॉ का बहुत अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में, रेसिस्टेंस उसी का जो पार्ट है उसका वीडियो पड़ा हुआ है, उसका डेरिवेशन पड़ा हुआ है। न्यूमेरिकल्स के मैंने दो वीडियो डाले हैं, जहां से न्यूमेरिकल जनरली आते हैं वहीं से ही आते हैं, आप ये तरीके ये समझिए। मैं ये कहना तो नहीं चाहता और कह भी नहीं सकता कि 100% आएंगे, लेकिन मैंने जो दो वीडियो डाली है उसमें सभी टाइप के न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ में रे डायग्राम, आपको पता होगा लाइट के दोनों चैप्टर रे डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, रे डायग्राम का मैंने बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ है, अगर आप उसे फॉलो करें साथ साथ बनाएं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का कंप्लीट चैप्टर मैंने एक वीडियो में डाला है। उसके साथ साथ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत अच्छा वीडियो उसके अंदर पड़ा हुआ है, जो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ब्लैक क्यों दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, ये सब कंसेप्ट उसमें कवर है लगभग। साथ ही साथ आपको प्रिज्म और ग्लास स्लैब, ध्यान रखिए रिफ्रैक्शन में प्रिज्म और ग्लास स्लैब है। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट भी किया था कि डेरिवेशन कहां से आता है, देखिए डेरिवेशन आपका मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, और कोई बड़ा डेरिवेशन है नहीं यहाँ पर। उसके साथ साथ तो पास करने का जो मैंने थोड़े से वो डाले थे, कोशिश की थी कि ये चीज आप जरूर करें, वो भी पड़ा हुआ है। केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रिसिटी में, मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर मोटर अभी मैं इसी के साथ बताना चाहूंगा, इसके साथ एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक वीडियो आपको और अपलोड करने वाले, उसमें मैंने दोनों चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का भी और लाइट का भी कम्प्लीटली कवर किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 13th डेट तक आप फिजिक्स लगभग कवर करें। उसका रीजन है मेरे पास में, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है,
इसमें एनालिटिकल चीजें, रे डायग्राम, ज्योमेट्री है एक तरीके से, तो वो समझनी बहुत आसान है थोड़ी सी। केमिस्ट्री, देन फिर आप 14 को केमिस्ट्री करिए, मैं बहुत सारी वीडियो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद में बायो। प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े, प्रैक्टिकल की बुक से थोड़े थोड़े इजी इजी क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे वो उन्होंने उस दौर प्रैक्टिकल में डाल दिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शेड्यूल बनाए तो आपका जो पेपर है वो इंग्लिश या हिंदी की तरह ही अच्छा होगा। ध्यान रखना एक चीज, ये आपको पता ही होगा क्योंकि साइंस में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो ए सेक्शन है 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखे साइंस में ये 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क कुछ नहीं है, आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स का ही है मैक्सिमम, क्योंकि जो 5 मार्क का भी क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में, अगर वो क्वेश्चन 3 पार्ट में तो फिर दोबारा से वो 1.5 और 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। एक्यूरेट जाएंगे आप केमिस्ट्री में तो 100% एक्यूरेट जाएंगे, आप समझ लीजिए इंग्लिश की ग्रामर कर रहे हैं हम वहां पर, ठीक है ना। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस के साथ में हेल्प करूंगा, तो ये वीडियोस आप देखते रहे, उसके साथ साथ में आप बिल्कुल तरोताजा होकर, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी की तरह बिल्कुल फ्रेश होकर, आप ये तो आप सोचो ही मत कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था, मैं बीमार हो गया था, मैं अब तक कवर नहीं कर पाया हूं। मैं तो कह रहा हूं आपके प्री बोर्ड में कितने भी मार्क्स आए उसकी भी आप चिंता मत करिए, जो हुआ है उसे भूल जाइए। बात यह है कि हम अब इन 3 दिनों में क्या करेंगे, गारंटी है, निश्चित है, अगर आप लगन के साथ पढ़ते हैं, अगर आप सिलेबस को कवर करते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, ठीक है ना, देखकर उसे लिखते हैं, लिखकर उसको काम करते हैं, ठीक है ना, तो आप 100% है आपको इसमें भी सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक सबसे पहले और भी बात, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, साइंस के पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट की शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि साइंस का पेपर 2.5 आवर में लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट करना चाहता हूं कि साइंस की बुक खोलनी स्टार्ट कर दें, मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ें, अगर बेटर लगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट हो सकता है। नहीं लगे तो आप अपने तरीके से भी करिए, आप थोड़ा सा ये देखिए, वहां से फायदा उठाइए, दूसरी चीजें करिए, आपको इन्हें देखकर वीडियोस को देख के मन लगने लगेगा। मैं आपको चैप्टर, जैसे आपको लगेगा भाई मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पता नहीं कितना बड़ा है, पता नहीं क्या क्या है, मैं आपको कल एक वीडियो में डालकर दिखाऊंगा कि आप 15 मिनट में मेटल नॉन मेटल का चैप्टर कवर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर है, आप मुश्किल से 10 मिनट आपको लगेंगे, आप थोड़ा सा रीड करिए, थोड़ी सी स्टडी करिए, पिछली नॉलेज को ध्यान करिए और एनसीईआरटी पर ही जाइए, ठीक है ना, फिर मैं आपके साथ में हेल्प करूंगा। अब मैं आपको इन सब के साथ में ये शेड्यूल जो मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से हंसते रहिए, इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन पूछते रहिए। हिंदी, एक कमेंट और आया था हिंदी और इंग्लिश का, देखिए आपने देखा होगा मैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके पढ़ाता हूँ, लिखता बेशक इंग्लिश में हूँ, ऑलमोस्ट मैं हिंदी में ही लेक्चर देता हूँ, ठीक है ना। दूसरी चीज है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है, तो आप पूरा बेनिफिट उठाइए, अपने तरीके से लिखिए। साइंस के वर्ड इंग्लिश में भी वही लिखे जाते हैं और हिंदी में भी वैसा ही लिखे जाते हैं। अब मैक्सवेल है मान लो, या फ्लेमिंग लॉ है, तो वो फिर भी हिंदी इंग्लिश में लगभग एक जैसा लिखा जाता है। तो आप पूरी तरीके से जाइए, लैंग्वेज की आप चिंता ही मत करिए, मैथ साइंस में लैंग्वेज की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया करती है, ठीक है। तो उठो, जागो, है ना, और तैयार हो जाइए साइंस के लिए उसी तरीके से जैसे आपने अच्छे से हिंदी और इंग्लिश किया। अब मैं इसके साथ साथ जो मेरा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक को मैं और कवर करा देता हूं। वहां पर दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना। मैं उसे डिफरेंस की तरह से बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं डिफरेंस की तरह से, क्योंकि ना तो कंस्ट्रक्शन और ना ही वर्किंग, ना तो मोटर की कंस्ट्रक्शन है आपके सिलेबस में, ना ही जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है। इसके कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो उन्हीं में से क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। मैं फिर दोबारा से उसी बात को रिपीट करता हूं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन एक होता है, आंसर मेथड कई सारे तरीके के होते हैं, साइंस में आंसर एक होता है, क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। आपको बस ये समझना है कि ये क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है, आंसर वही का वही होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन का, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है जनरेटर और मोटर की। मोटर की डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, पढ़ भी चुके होंगे आप, आपको याद भी होगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसा डिफरेंस शायद मुश्किल आएगा,
ठीक है ना, आएगा तो मुझे लग रहा है ऐसा आएगा कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन बताइए और प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। हाँ, इस बात से मुझे एक बात और याद आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, राइट देयर प्रिंसिपल, ठीक है, एंड नेम द कम्यूटेटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप इसे एक क्वेश्चन समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप इस क्वेश्चन के 3 पार्ट माने, आप ये समझ लीजिए 3 पार्ट है, 3 पार्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बल्कि मैं तो आपको राय देना चाहता हूं, पहला पार्ट करिए, एक लाइन ब्लैंक छोड़िए, दूसरा पार्ट करिए, एक लाइन ब्लैंक छोड़िए, तीसरा पार्ट करिए। एबीसी इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि उन्होंने भी नहीं लिखा है। तो अगर आपको आता है तो अच्छे से उसे एक्सप्लेन करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलिए, प्रिंसिपल जो है इसका मैंने इससे पहले वीडियो में डाला है, आप देखेंगे या वीडियो आगे अपलोड होगी तो उसमें आ जाएगा। ये वो है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लग जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, उस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ये इसका प्रिंसिपल है। शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन प्लेस्ड इन एनी एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है कि ये किस, इसकी जो डायरेक्शन बताइए फोर्स की वो किसने बताई है, तो इसे भी आपको याद रखना है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से इसकी डायरेक्शन पता लगती है। उसके साथ में इसमें कम्यूटेटर का कौन काम करता है, मोटर में जो कम्यूटेटर का काम करता है वो स्प्लिट रिंग करता है। मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पर जो है दो स्प्लिट रिंग, सॉरी ये मोटर का डायग्राम है और ये जनरेटर का डायग्राम है, तो यहां पर दो स्लिप रिंग है। क्योंकि यहां पर स्लिप रिंग है इसलिए ये एसी जनरेटर कहते हैं इसको। जनरेटर दो टाइप का होता है, देखिए पहले जनरेटर की डेफिनेशन पाते हैं, तो यहां पर जनरेटर की डेफिनेशन क्या है, यहां पर करंट नहीं देते, यहां पर करंट इंड्यूस होता है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि प्रोड्यूस करता है करंट, बल्कि जो है कंटिन्यूस करंट प्रोड्यूस करता है और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें तो एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी भी डायरेक्शन, अगर हमें इस करंट की डायरेक्शन जाननी है तो वो हम राइट हैंड रूल से जान सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी कम्यूटेटर का काम कौन करता है, स्लिप रिंग। तो ध्यान रखना है आपको, ये मोटर का डायग्राम है और ये जनरेटर का डायग्राम है। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए, आगे की वीडियो मेरी बहुत सारी तैयार है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मैं अभी तक थोड़ा सा वेट कर रहा था, आप फ्रेश हो जाएंगे और फिर दोबारा से साइंस में उसी एनर्जी के साथ चलेंगे, ठीक है, जिस एनर्जी के साथ आपने इंग्लिश और हिंदी में काम किया है। आप भी शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।